एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। पूरे देश में एनडीए को बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है। पूरे देश में जिस स्टेट की सीटों पर सबसे ज्यादा नजरें लगी हुई हैं, वो है यूपी। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। ज्यादातर सर्वे में सपा को 9 से 11 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब एक मीडिया टॉक में बड़ा दावा सामने आया है। यही नहीं, एनडीए गठबंधन को लेकर भी 65 से 70 के बीच अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी दावा चौंकाने वाला है। सुनिए सपा और एनडीए की सीटों को लेकर क्या कहा गया है। यूपी का जिक्र आप करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें। यहां का एग्जिट पोल इस वक्त आ गया इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे की तरफ से। आपको बता दें कि 62 से 68 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही। अपना दल एस्को यानी अनुप्रिया पटेल को 1 से 2 सीटें और आरएलडी को यूपी में 102 सीटें हैं। और इन सब के अलावा यूपी में सुभाषपा का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। घोषी पर इस बार टिकट दिया गया, लेकिन वहां से जीत हासिल नहीं होती दिख रही। सपा को यूपी में 10 से 16 सीटें मिलने का अनुमान इस वक्त जताया जा रहा है। कांग्रेस को यूपी में 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट यानी रायबरेली। और अगर 3 सीट का अनुमान होता है तो मुझे लगता है कि सहारनपुर और एक और कोई सीट आ सकती है। इस तरीके से आंकलन है इस वक्त जो नंबर आपके सामने उत्तर प्रदेश को लेकर, सचिन। लेकिन सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो दावा किया था कि 80 का 80 टारगेट पूरा होगा, वो शायद यहां पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसी पर सवाल लेते हैं नरेश जी से। नरेश जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2014 की टैली को टच करेगी, निश्चित रूप से 70 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। हाँ। नहीं सर, ये बताइए ना, 3 सीटें कांग्रेस की हैं, या तो सहारनपुर, या तो फतेहपुर, या तो रायबरेली, या तो अमेठी। इन चारों में से क्या है, अमेठी का क्या विश्लेषण आप लोगों का है? फतेहपुर सीकरी, मेरे विश्लेषण में तो कांग्रेस रायबरेली भी हार के कगार पर है। लेकिन सर सर्वे में 1 से 3 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और आप लोगों को यह नुकसान होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की भी 9 से 10 सीटों के आसपास है। तो आपके सर्वे को बताना चाहिए कौन सी है। अरे मैं तो पूछ रहा, हम तो बताएंगे अभी आपको कि कौन सीटें हैं। ये 4 तारीख को भी बताएंगे, लेकिन 5 से 5 सीटें भी प्राप्त करेगी बड़ी मुश्किल से। क्योंकि सर देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 14 में आंकड़ा आपका अधिक था, 19 में थोड़ा कम हुआ। इसीलिए ये जो सर्वे अभी फिलहाल सामने है, उस आधार पर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी जो आंकड़े आपने कहे थे 80 का 80 पूरा करने के लिए, वो शायद पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो जब हम 14 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे तो वो पूरा हो ही गया भाई। 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए चलते हैं। इसको आप डेंट मानते हैं? नहीं, नहीं करोगे क्या? ये जो सपा का नंबर बढ़ा है, इसको आप डेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, आपकी अनुप्रिया दल वाली भी आ रही, अनुप्रिया पटेल वाली भी, इधर आरएलडी से गठबंधन का फायदा भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है, मिलता दिख रहा है। लेकिन सपा का नंबर बढ़ गया, जिसको आप लोग कहते हैं कि परिवार के जितने लोग हैं वही लोग जीत कर आते हैं। 2019 से मैं आपको बता रहा हूं, सपा किसी भी कीमत पर 5 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। अब किसका दावा सही साबित होता है और किसका गलत, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।